पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोला घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में सिन्हा पर जांच को प्रभावित करने का मामला बनता है। अदालत ने सिन्हा पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया है, जिसकी अगुवाई सीबीआई निदेशक करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाला मामलों में विशेष लोक अभियोजक के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.ए. चीमा इस मामले के कानूनी पहलुओं पर सीबीआई निदेशक की मदद करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त एम.एल. शर्मा कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है। कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्री से यह जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे, जिसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोला घोटाले की जांच को प्रभावित करने के मामले में पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना शिकंजा कसा है और जांच के आदेश दे दिए हैं। जाहिर है कि इस जांच के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना है। देखते रहिए डीबी लाइव।